हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 2M सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल कंपोजिट मैथमेटिक्स का। इससे पहले आपको बता दें कि हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की सारी एक्सरसाइज करवा चुके हैं, तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मैनी जार्स, कितने जार्स चाहिए ईच होल्डिंग 1.75 केजी ऑफ जैम, जिसमें प्रत्येक उसमें जार में 1.75 केजी जैम आए, कैन बी फिल्ड, भर जाए उसमें, फ्रॉम अ वेसल कंटेनिंग 100 केजी ऑफ जैम। एक बड़ा बर्तन है, वैसल माने बर्तन, उसमें कितना भरा हुआ है, उसमें हमारा जो जैम भरा हुआ है वो 100 केजी भरा हुआ है। तो कितने जार चाहिए उसके, जिसमें प्रत्येक जार में कितना आ जाए 1.75 केजी जैम भर जाए, एंड हाउ मच रिमेन, और कितना बचेगा। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ जैम इन वेसल। वेसल में कितनी क्वांटिटी है जैम की, 100 केजी, तो हम लिख देंगे 100 केजी। अब हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ जैम इन वन जार। वन जार में कितनी आनी चाहिए, 1.75 केजी। तो ये कह रहा है कितने जार हमें चाहिए। जब वो कहेगा कितने जार चाहिए तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ जार इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ जैम इन वेसल। वो नंबर ऑफ जार कहेगा तो हम जो बड़ा वेसल है वो ऊपर लिखेंगे और जो उसकी क्वांटिटी है वन जार की वो नीचे लिखेंगे। क्वांटिटी ऑफ जैम इन वन जार, राइट। तो क्वांटिटी ऑफ जैम इन वेसल कितना है हमारा, 100 केजी है, तो 100 केजी लिख देंगे हम। क्वांटिटी ऑफ जैम इन वन जार हमारा कितना है, वन जार में हमारा कितना है 1.75 केजी, तो केजी से केजी कट जाएगा, राइट। तो पॉइंट लगाया तो हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले जीरो लगाएंगे 1, 2, 3, 4 और 1 1 जा 1 अपॉन 175। तो अब हम 10,000 को 175 से भाग देंगे, तो 5 बार जाएगा, 5 25 5 7 35 तो 36 37 5 1 5 6 7 8 10 में से 5 गया 5 यहाँ बचे 9 9 में से 7 गया 2 यहाँ बचे 9 9 में से 8 गया 1 जीरो बढ़ाया, अब ये 7 बार जाएगा, तो 7 5 35 7 7 49 50 51 52 7 1 7 7 और 5 12 कितना बचा, 10 में से 5 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 तो हम लिखेंगे, ये कह रहा है कि कितने जार चाहिए, तो कह रहा है हाउ मैनी जार्स, तो 57 हम लिखेंगे, 57 जार्स आर रिक्वायर्ड। एंड कितना बचा हमारा शेष, 25 केजी जैम रिमेन्स, कह रहा है ना हाउ मच रिमेन्स, कितना बचा, तो 25 केजी जैम रिमेन्स, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। देखेंगे इसके बाद, देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अ रेसिंग कार ट्रेवल 425 मीटर इन 10 सेकेंड।
एक्सप्रेस दिस स्पीड इन किलोमीटर पर हावर, कह रहे हैं एक रेसिंग कार है जो ट्रेवल कर रही है 425 मीटर इन 10 सेकेंड, तो एक्सप्रेस कीजिए उसकी स्पीड को किलोमीटर पर हावर में। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि वन हावर कितना होता है हमारा, वन हावर हमारा होता है 3600 सेकेंड, राइट। तो हम लिखेंगे कार ट्रेवल इन 10 सेकेंड में कार कितना चलती है 425 मीटर। तो हम लेंगे यूनिटरी मेथड, तो यूनिटरी मेथड में क्या है कि कार ट्रेवल इन 10 सेकेंड में कार कितना चलती है 425 मीटर। तो हम लिखेंगे कार ट्रेवल इन 1 सेकेंड में क्या होगा 425 अपॉन 10 हो जाएगा, राइट। तो अब हम निकालेंगे 10 कार ट्रेवल इन एक हावर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं, राइट। तो हम निकालेंगे 3600 सेकेंड में, तो क्या करेंगे 425 अपॉन 10 क्रॉस 3600 कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए स्पीड इसमें चाहिए हावर में चाहिए, तो एक हावर में कितने होते हैं 3600 सेकेंड होते हैं, राइट। तो इसको हम काटेंगे एक जीरो से, एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास 425 क्रॉस 360, और जब इसको हम, और ये किस में चल रहा है ये 425 क्या थे मीटर, राइट। तो ये क्या आ गया मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 153,000। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आया हमारा मीटर। तो अब हम किस में, और ये कह किस में रहा है, ये कह रहा है कि किलोमीटर, तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग मीटर इनटू किलोमीटर, राइट। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे मीटर से किलोमीटर बनाने में, हम क्या करेंगे 153,000 है, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर में हो जाएगा, राइट। तो तीन जीरो हटा के हम तीन के बाद, एक दो तीन के बाद हम दशमलव लगा लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 153 किलोमीटर पर हावर, राइट। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।